भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश जिला संघ जबलपुर के द्वारा गौरीघाट नर्मदा तट पर सफाई अभियान किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न स्कूलों सहित स्काउट गाइड के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अभियान में खास बात यह देखने को मिली कि स्काउट गाइड के लगभग 60 स्काउट और गाइड 45 डिग्री के तापमान में भी नंगे पैर होकर तपती दोपहर में स्वच्छता अभियान के तहत घाटों की सफाई की। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगातार पूरे घाटों की सफाई स्काउट गाइड सहित स्काउट गाइड के अधिकारियों व स्कूली बच्चों ने साफ सफाई अभियान में भाग लिया। यस नर्सरी हायर सेकेंडरी स्कूल आधारताल सहित DPS मंडल रोड एवं सरस्वती हायर सेकेंडरी आधारताल स्कूल सहित अन्य स्कूलों के शिक्षक व छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर संचालक यस नर्सरी हायर सेकेंडरी स्कूल के श्री विजयकांत तिवारी, डॉक्टर सत्यम मिश्रा, श्री जगन्नाथ पांडे, श्री लेखराम यादव, श्रीमती रंजना सिंह, जिला समन्वयक राहुल राजपूत की अगुवाई में स्काउट एवं गाइड ने घाटों पर फैले हुए कचरे को विधिवत तरीके से उठाकर यथास्थान पर फेंका एवं घाट पर उपस्थित लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस कार्यक्रम में अतुल श्रीवास्तव, दीप गर्ग, निर्भय शुक्ला ने सहयोग प्रदान किया। आज दिनांक 8 जून को माँ नर्मदा के तट पर सभी हमारे स्काउट एंड गाइड माननीय ASOC सर मदन मोहन गुप्ता के निर्देशानुसार और माननीय बेला सिंह जिला स्काउट गाइड के मार्गदर्शन में यहां उपस्थित हुए और माँ नर्मदा के ओमा घाट पर हमारे प्रमुख विद्यालय जो जबलपुर में स्काउट गाइड में मुख्य रूप से सक्रिय हैं हर गतिविधियों में, तो उन्होंने यहाँ पर उपस्थित हुए, जिनमें सेंट जोसेफ स्कूल रांची से माननीय मैसेंजर ऑफ पीस के समन्वयक राहुल सिंह राजपूत। सर क्या किया आज आपको? आज हम लोगों ने यहाँ पर घाट में उपस्थित होकर सुबह 8:30 बजे से सभी उपस्थित आस्था माँ नर्मदा में आस्था रखने वाले नर्मदा प्रेमी भक्तों से अनुरोध किया कि वे व्यक्तिगत रूप से घाट पर गंदगी ना फैलाएं, साबुन इत्यादि का इस्तेमाल ना करें, कपड़े वगैरह ना धोएं और जूते चप्पल लेकर यहां पर घाट पर ना आएं। घाटों की सफाई के लिए हम लोगों ने उनको जागरूक किया। इसके बावजूद जहां पर भी कचरा था तो हम लोगों ने डस्टबिन, झाड़ू और ये सब व्यवस्था करके और स्काउट गाइड के बच्चों ने, लगभग 60 से 70 बच्चे थे, स्काउट एवं गाइड के टीचर्स थे, उन्होंने घाट में बच्चों को गाइड किया कि कैसे क्या करना है और पूरी घाट की प्रारंभिक छोर से अंत छोर तक नारियल के जूट और अगरबत्ती, फूल सड़े हुए, लोग पॉलीथिन में पूजन सामग्री बांध कर फेंक देते हैं। बड़े दुखद बात है कि हम माँ नर्मदा में स्नान करते हैं और वो इतनी हमारे ही जागरूकता के अभाव में प्रदूषित है, उसको हम लोगों ने जागरूक करने का कार्य किया और इसके लिए हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अनुरोध करते हैं कि पर्यावरण हितैषी कार्य करें, तब नहीं जब हमें गर्मी लगे, हर सीज़न में हम पर्यावरण हितैषी सोच रखें। नाम बताइए। डॉक्टर विजयकांत तिवारी, स्काउट गाइड टीचर, यस नर्सरी हायर सेकेंडरी।